what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, मैं राहुल जैन आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए मैथ की। और पहला टॉपिक मैं जो चूज़ कर रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि और ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में पढ़ गए हो, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा इसके बारे में जानते भी हो। और नया चैप्टर सेट है, रिलेशन फंक्शन, वो ऑनलाइन पढ़ना स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा टफ है, उसके लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो आपको पता ही है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि इसको जो पहले जहाज जाते थे, शिप जाते थे, तो वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते थे। जैसे चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बारे में आपने पढ़ रखा है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सबसे पहले हम क्या है, किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है, दो तरह के मेजर यूज करते हैं हम, एक डिग्री मेजर यूज करते हैं आपको पता है एंगल के लिए, एक करते हैं हम रेडियन मेजर यूज। पहले हम इन दोनों को समझेंगे क्या है और इनके अंदर क्या क्या आता है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर रेडियन मेजर में क्या है बेटा, देखो जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले डिग्री की बात करता हूँ। डिग्री आपको पता है 2 degree 30 degree, ये आप पढ़ के आए हो 2 degree 30 degree, ये सब पता है आपको। तो यहाँ पे हम कैसे काम करते हैं, जैसे ये होता है, ये एक मैं एंगल बना देता हूँ, पहले मैं एक इस तरह से मैंने एक एंगल बना दिया। और इस एंगल में क्या है बेटा, ध्यान से देखिए आप क्या दिख रहा है आपको इस एंगल में, इसमें दो साइड दिख रही है, एक वर्टेक्स दिख रहा है। मैं मान लेता हूँ कि ये वर्टेक्स है जो हमारे पास, इसको मैं वर्टेक्स बोलता हूँ। ये हमारी इनिशियल साइड है जो हमेशा एक्सिस पे रख होती है, इनिशियल साइड, और ये एक टर्मिनल साइड है। तो हमें इनिशियल साइड से चलना होता है, तो हम इनिशियल साइड से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो बताओ डायरेक्शन कैसे, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऊपर चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब भी चलेंगे तो वो होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री एंगल, पॉजिटिव एंगल है ये। अगर मैं इसी में इस तरह से चलता, ये वर्टेक्स हो गया हमारा, ये हमारा इनिशियल साइड हो गई, ये हमारी टर्मिनल साइड होगी, और मुझे ऐसे चलना पड़ता क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलना होता तो यहाँ पर नेगेटिव एंगल होता हमारा। कुल मिला के बात यह है, इनिशियल साइड से हम चलना मूव करेंगे, हम रोटेट करना मूव करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन इट मीन्स इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने पे हो जाएगा हमारा ये नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखिए जैसे हम किस कैसे और एंगल बता सकता हूँ मैं, सपोज करो एंगल 30 है, तो इसका एंगल मैं लिख दूंगा पॉजिटिव 30 डिग्री। इसका एंगल आपको दिख रहा है नेगेटिव साइड है, तो एंगल होगा माइनस नेगेटिव डिग्री। अभी तक हम कहते थे कि नेगेटिव एंगल कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एंगल होते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं ये हमारी। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। देखो आगे और मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक, अब मैं ए और बी लिखूँगा, टर्मिनल इनिशियल लिखूँगा, ए हमेशा हमारी इनिशियल साइड रहेगी और बी हमेशा हमारी टर्मिनल रहेगी ओ ए। वर्टेक्स को ओसे करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ मैं ये ओ ए है। अगर मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ मैं, ये बी हो गया, और ये इस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ, और ये 30 डिग्री, वो ये है 120 डिग्री मान लेते हैं, तो इसका एंगल होगा पॉजिटिव 120 डिग्री। क्लियर है बेटा इतना? लेकिन देखो अगर यहाँ पे हम, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, और मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, और देखो अब इसमें यहीं पे मैं दिखाऊंगा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल है हमारे पास, तो ये एंगल हमारे पास सपोज करो ये दे रखा है हमें 295 दे रखा है, तो ये एंगल होगा प्लस 295। लेकिन क्या तुम, अगर इसको तुम, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज लेके आना चाहूँ तो क्लॉकवाइज भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी। टोटल एंगल 360 का होता है, 295 का ये हो गया, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है, एंगल 65 हो गया ये वाला एंगल। तो अगर मैं इसको या तो ये कह सकता हूँ, या फिर मैं इसको -65 भी तो कह सकता हूँ मैं। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चेक करूँ तो एंगल कितना हो गया, -365। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है आपको, नहीं दिख रहा है वो तो आप थोड़ा सा और देखिए, पेज को मैं इधर कर देता हूँ, दिख रहा है आपको? अब
क्लियर बेटा? यस, आगे देखिए, अब हम इसे एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं और थोड़ा सा एग्जांपल लूँ मैं, तो एक एंगल बना देते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, और ये यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ओ ए बी है, और मैंने इसको ऐसे रोटेट करा के और यहाँ तक दिया है, और मैंने ये तुम्हें बता दिया कि ये वाला जो पार्ट था ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री। अब मेरे को इसका एंगल बताओगे आप? तो देखो ध्यान से, इसने पहले एंटी क्लॉकवाइज पूरा यहाँ तक ग्राउंड कवर किया है, 360 हो गया प्लस 30, तो एंगल हो गया प्लस का 390 डिग्री। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया नहीं आया ये वाला कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है? मैंने कुछ नहीं बेटा, वैसे बहुत आसान है, तुम अगर ध्यान से एक बार समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये वाला। मैं तुमको, ये तो हो गया हमारे डिग्री मेजर, मैं तुमको रेडियन मेजर सिखाता हूँ। मैं रेडियन मेजर क्या है, रेडियन मेजर क्या होता है हमारे पास? जैसे एक, मैं एक सर्कल मान लेता हूँ, ये एक सर्कल है हमारे पास एक, और इसमें एक ओ ए है, ओ बी है, ओ बी है ये, और ये इसकी रेडियस है वो 1 यूनिट है। तो बेटा अगर रेडियस 1 यूनिट है और जो लेंथ, इसको आर्क बोलते हैं, आपको पता होगा ये सर्कल की आर्क हो गई है, अगर आर्क की लेंथ यूनिट, आर्क की डिस्टेंस है जो वन लेंथ वन वो है 1 यूनिट है आर्क की लेंथ, तो जो एंगल बनेगा थीटा, जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन होगा। मैंने क्या कहा है तुमसे, अगर कोई सर्कल की रेडियस आर 1 है, लेंथ एल, आर्क की लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है, देन जो थीटा होगा वो 1 रेडियन होगा। एंगल को हम कितना मानेंगे? 1 रेडियन। इसका मतलब ये है कि द एंगल इन एनी सर्कल ऑफ रेडियस यूनिट डिजिट मींस 1 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द लेंथ आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इज कॉल्ड 1 रेडियन। क्लियर है? और इसके एग्जांपल में भी तो मैं इसका रिलेशन बताता हूँ। यस, आगे देखिए, इसमें जैसे मैं इसमें एक और बना देता हूँ, मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं जैसे मैंने ये आर्क ड्रॉ की, सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा मैं, और क्लॉक वाइज हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क पड़ेगा। सपोज करो ये 1 यूनिट है, इसकी ये 1 यूनिट है, और अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इस आर्क ले लेता हूँ मैं 2 यूनिट, तो बेटा यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो प्लस 2 रेडियन का एंगल बनेगा, प्लस 2 रेडियन का। इसी को मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ ड्रॉ, क्लॉक वाइज जा रहा है यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, और यहाँ पे मैं अगर मैं 1.5 3/2 लेता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो -3/2 रेडियन का बनेगा, रेडियन है, सॉरी ये रेडियन का ही बनेगा। मैं यहाँ पर मैं रेडियस लिख रहा हूँ, रेडियन है बेटा वो। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है, तो एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड कर रहा है, अगर रेडियस 1 यूनिट है। अब मैं अगर रेडियस को 1 की जगह मैं लेता हूँ आर यूनिट, यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्या? मैं कोई बात नहीं, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगर मैं रेडियस को चेंज करके आर यूनिट कर लेता हूँ, रेडियस हमारी आर यूनिट हो जाती है, लेंथ हमारी एल हो जाती है, लेंथ ऑफ आर्क मैंने एल ले लिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मैं उस एंगल थीटा को मैं लिखूँगा एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ वो एंगल को ये लिखूँगा मैं एल अपॉन आर रेडियन। क्यों? अब तक हम आर यूज कर रहे थे, तो एंगल जो हमारा आ रहा था एल के बराबर हो जाता था जब हम आर 1 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने आर 1 नहीं लिए, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है थीटा है वो एल अपॉन आर के बराबर आएगा। जैसे मैं अगर पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैं बात करूँ, अगर मैं रेडियस 2 लेता और हमने ऊपर 1 लिया था, लेंथ ऑफ आर्क 1 ली थी, तो 1/2 आता, वो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो हम यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है कि एल इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है एक। अब आगे देखिए, मैं तुमको रिलेशन दिखाता हूँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मेजर, डिग्री एंड रेडियन।
डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप एक चीज़, मैं पहले तो डिग्री और रेडियन को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे एक सर्कल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने एक सर्कल बनाया। तो ये बताओ, मैंने तुमसे अभी कहा था कि लेंथ जो हमारा एंगल होता है, अगर मैं इसको यूनिट सर्कल मानता हूँ, मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं, तो मैंने तुमसे कहा था थीटा इक्वल टू एल के बराबर होता है। और ये बताओ, अगर यूनिट इसकी 1 है तो लेंथ ऑफ द आर्क, इस पूरी आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी रेडियन में? तो आप बोलेंगे जी 2πr। तो 2πr की वैल्यू 1 है तो लेंथ कितनी होगी? 2π हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो थीटा आ रहा है, एंगल आ रहा है, वो 2π रेडियन आ रहा है। क्लियर है ना? इसका एंगल 2π रेडियन आ रहा है। मुझे पता है कि डिग्री में इसका एंगल कितना है। तो तुम कहोगे सर डिग्री में इसका एंगल 360 डिग्री होता है। भाई 2π रेडियन एंगल हमारा 360 डिग्री के बराबर आता है। तो मैं 2 से इसको कट कर देता हूँ मैं, तो पाई रेडियन कितने के बराबर आ जाएगा? तो आप कहेंगे 180 के बराबर आ जाएगा। और 1 रेडियन की बात करूँ मैं, तो 1 रेडियन आ जाएगा 180 अपॉन पाई। और 180 अपॉन पाई को आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन देखो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं तुमसे, शायद आपको डिग्री का पता ना हो कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। और हम मिनट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, और सेकंड्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 डिग्री के अंदर टोटल 360 सेकंड्स होते हैं। क्लियर है? नहीं है? तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो गया। इसको आप जब डिवाइड करते हैं, 1260 हो गया ये। इसको हम 22 से डिवाइड करते हैं, देखना कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, यस। तो यहाँ पे 22 से हम इसको हम डिवाइड करेंगे हम, यस। तो यहाँ पे हम 22 110, यहाँ पे 160 आएगा। देखो अब यहाँ पे आके हमारा ये हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 57 डिग्री। अभी हमारे पास, अब हमें डिग्री तो कंप्लीट हो गई, अब इसको पॉइंट में लिखना है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। हाँ, तो अब हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 57 मिनट, वो 57 डिग्री। लेकिन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इसमें 6/22 है, मुझे इसमें 60 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसको 3 टाइम्स कट कर सकते हैं, इसको 11 टाइम्स। तो ये हो गया 180/11। और 180/11 करने के लिए हमको यहाँ पे अलग से मैं दिखा देता हूँ, 180/11 करना पड़ेगा। तो ये आपको पता है कि 11 11 11 7 0 11 6 7 7 0, अप्रॉक्सीमेटली हम 6 मान लेते हैं, फिर सेकंड में निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसको अभी 6 ले लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे हो गया हमारा, अब भी हमारा इसमें रिमाइंडर बच रहा है, उसको हम सेकंड में लेंगे। हम दोबारा में 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमें करने की नीड नहीं है। तो मैं सीधे सीधा आंसर लिख देता हूँ कि 27 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्स आती है, अप्रॉक्स वैल्यू आती है 1 रेडियन की। 1 रेडियन हमारा होता है 57 डिग्री 16 मिनट के। अब जैसे सेम हमने 1π रेडियन को 180 डिग्री लिखा है, तो यहाँ से हमारा आ गया फॉर्मूला, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π आ गया था। तो क्या यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1 रेडियन इक्वल टू वो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो π/180 रेडियन हो जाएगा 1 डिग्री के बराबर। वही 1 डिग्री के बराबर ही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं? तो हम इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, तो यहाँ पर 22/7 पुट कर दें पाई की वैल्यू, तो 1 डिग्री की वैल्यू भी रेडियन में आ जाएगी यहाँ पे कैलकुलेट होके, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट होगी। तो आप वो कैलकुलेट कर लेना, वो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने एक आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। ये हमारी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट पार्ट है 3.1 का। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, देखेंगे आप कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, इसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिखवाता हूँ, तो मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन करने में तुम्हें हेल्प मिले। और जैसे एक फॉर्मूला ये होता है, अगर हमारे पास रेडियन मीजर हमें निकालना है, तो रेडियन इक्वल टू होता है π/180 × में डिग्री मीजर। हमें डिग्री मीजर अगर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 180/π × में रेडियन मीजर। क्लियर है? अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हम सपोज करो, मैं एक तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं 14 डिग्री और 20 मिनट्स ले लेते हैं। 20 मिनट्स को हमें ये है हमारे पास, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हमारा टोटल डिग्री में नहीं है, केवल ये डिग्री में, ये हमारा मिनट में है।
हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 20 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 20 अपॉन 60 हो गया बेटा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 टाइम्स गया 40 होल 1/3, जिसको कि हम 121/3 लिख सकते हैं, 121/3 इसी से पुट कर देंगे इसमें हम, तो यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू में 121/3, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है शायद ये, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540 121 है ये 540 रेडियन, यहाँ से इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं तुम्हारी बुक का, जैसे बुक में एक एग्जांपल और है, हमें 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन को डिग्री में, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो 6 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ 22/7 इंटू में 6, तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 3 और यहाँ पर 11, तो 21/18 ऐसे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए तुम्हें, 1260 इंटू में 3/11 हो रहा है ये, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 से। देखो इसमें कैसे डिवाइड करेंगे हम, सबसे पहले 11 3 जा 33 48 11 4 जा 44 40 11 3 जा 33 7, यहाँ पे हमारा होल्ट हो गया, इसका मतलब 343 डिग्री इसका आ चुका है, लेकिन अभी मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूँगा प्लस में 7/11 × 60, मैं इसको सेकंड तक भी कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा वो जब पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे अब देखो कितना हो गया 420 हो गया, तो अब हमें 420 में 11 का डिवाइड करना है, 11 3 जा 33 कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, 11 8 जा 88, देयर इज़ वन मोर होल्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 343 डिग्री और 38 मिनट्स इसके आंसर अभी आ चुके हैं, लेकिन सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे हम, तो फिर दोबारा से हम इसको जो बच रहा है हमारे पास इसको हम 2 × 60/11, अभी हमारा आंसर सेकंड में आएगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 120/11 हो गया सिंपल, तो 120 में 11 का डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है 1 टाइम जाएगा और फिर नहीं जाएगा ये, तो मैं इसको 0 लिख लूँगा यहाँ पे मैं, तो मैं इसका आंसर मैं देखूँ इसका, तो 343 हो रहा है इसका, 343 डिग्री 38 मिनट और यहाँ पे हमारा होल्ट आया था, लेकिन अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 11 आता ये, तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं इसका आंसर कि 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड इसका आंसर मान लेते हैं, जो कि बुक में भी तुम्हारे ये दिया हुआ है, ये अप्रोक्सीमेट का आंसर है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डिग्री और रेडियन हम निकाल सकते हैं, एक बार दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट। आप मैं चाहता हूँ कि आप 3.1 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को करें, जिसमें हमें डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है, एटलीस्ट आप ये स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद फिर हम आगे और नई वीडियो बना के आगे किसके क्वेश्चन को करवाएंगे। थैंक्स एवरीवन, और कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर।